एपिसोड 4 के शुरुआत में हम ईयर 1781 के चैपलवेट मैनर की एक झलक देखते हैं, जहां रॉबर्ट यानी चार्ल्स के पिता खेल रहे होते हैं और फिलिप यानी स्टीफन के पिता वायलिन प्ले कर रहे होते हैं और उनकी माँ यानी चार्ल्स और स्टीफन की दादी चाय लेकर बैठी होती हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है उनका एक दांत झड़ गया है और वो उस दांत को हाथ डालकर निकाल लेती हैं। फिर उन्हें ऐसा लगता है अंदर और भी कुछ है और इस बार एक अर्थवर्म निकलता है, पर फिलिप की पुकार सुनने के बाद उनके ये एल्यूजन्स गायब हो जाते हैं और वो नॉर्मली चाय पीने लगती है और सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। चार्ल्स आज दोपहर तक सोता रहा। इसके बाद ऑनर उन्हें आकर जगाती है और उनके लिए नाश्ता लेकर आती है। पिछली रात के लिए चार्ल्स रिग्रेट कर रहे थे, पर ऑनर ये समझती है और अपने पिता से कहती है उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। टाउन में फेथ के घर स्ट्रेंज गर्ल आकर अपने पिछली बातें याद दिलाती है, जब फेथ स्ट्रेंज गर्ल के ग्रुप में रहती थी जिसका लीडर जेकब था। फेथ उसे अपने छुरी से डराने की कोशिश करती है, पर स्ट्रेंज गर्ल खुद अपना हाथ काट लेती है। और गौर करने वाली एक बात ये भी होती है कि उन दोनों के सीने पर एक जैसे घाव के निशान बने होते हैं। इधर शाम को चार्ल्स के कमरे में रिबेका आती है और वो चार्ल्स से अपने और बच्चों की सेफ्टी के बारे में पूछती है। तब चार्ल्स उसे अपने बचपन की बात बताते हैं कि किस तरह उसके पिता अपना दिमागी संतुलन खो बैठे थे और चार्ल्स की जान लेने की कोशिश की थी। चार्ल्स को बचपन से ही इस बात का डर था कि उसकी भी हालत कहीं कभी उसके पिता जैसी ना हो जाए, और उनका डर यकीन में बदल गया जब वो डॉक्टर फ्रॉस्ट से मिले। साथ ही चार्ल्स के मन में ये डर भी था कि अगर वो अपने बच्चों को हर्ट नहीं भी करता है तो ये बीमारी उन्हें परेशान करेगी, और पिछले दिन टैन को एप्पल में वर्म्स दिखे थे। तभी ऑनर भी कमरे में आकर चार्ल्स को बताती है टैन को बार्न में कुछ मिला है। सभी बार्न में जाकर देखते हैं जहाँ एक सुरंग होता है और ये सुरंग मैनर में जाकर खुलता है। इतना ही नहीं, दीवारों पर भी सीक्रेट पैसेज वे बने होते हैं जो उसी कमरे में जाकर खुलते हैं जिसे हमने 1781 वाले सीन में देखा था। वहाँ पूरे कमरे में जानवर और इंसानों के खाल, हड्डियाँ और खून के निशान होते हैं। चार्ल्स को अब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि स्टीफन जिंदा है और वो रिबेका को एबल को बुलाने के लिए भेजती है। फेथ मिनिस्टर से मिलकर स्ट्रेंज गर्ल के बारे में उन्हें बताती है। वो कहती है वो लोग उसकी जान लेना चाहते हैं और उन दोनों को जल्द ही ये टाउन छोड़ देना चाहिए। इधर मैरी की हालत भी दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। वो अचानक ही अपने बिस्तर से उठकर खिड़की के पास चली जाती है। जॉर्ज आकर जब पूछते हैं तो मैरी कहती है उन्हें ठंड लग रही है और उनका पेशाब छूट जाता है। ये देखकर जॉर्ज हैरान रह जाते हैं। सुजैन को भी अब दफना दिया जाता है, जहाँ जॉर्ज भी फ्यूनरल में शामिल होने आते हैं। पर रोज को अपने पति का ना मिलने का गुस्सा होता है और वो जॉर्ज को थप्पड़ मार देती है। डैनियल भी उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद जॉर्ज रोज से सॉरी कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। एबल चैपलवेट पहुंचता है और चार्ल्स एबल को स्टीफन के बारे में बताते हैं। साथ ही ऑनर और एबल को लोआ और टैन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं और खुद टनल से जाकर पैसेजवे वाले कमरे में छिपकर स्टीफन का इंतजार करते हैं। एलिस को भी अब तक फेथ और मिनिस्टर के बारे में पता चल गया था, पर वो मिनिस्टर से फेथ के बारे में कुछ नहीं पूछती। कमरे में चार्ल्स को लगता है वर्म उसकी स्किन के नीचे चल रहे हैं और ढेर सारे वर्म्स गर्दन पर आकर चोक कर रहे हैं। तभी एक कोने से हिलती हुई रोशनी आती है और चार्ल्स का ध्यान रोशनी की ओर चला जाता है और वो समझ पाता है ये उसका वर्मोफोबिया था। और रोशनी की तरफ जाने से उसे एक रास्ता मिलता है। रिबेका एबल को भेजने के बाद कांस्टेबल जॉर्ज के पास जाती है ताकि वो उन्हें स्टीफन के बारे में बता सके, पर जब रिबेका वहां पहुंचती है जॉर्ज नहीं होते। वो मैरी को ढूंढते हुए उनके कमरे में जाती है। कमरे में जाते ही रिबेका देखती है फिलिप बून मैरी के पीछे छुपा होता है। वो रिबेका को देखते ही उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। रिबेका फिलिप के पीछे भागती है पर फिलिप फरार हो जाता है। ये बात वो जॉर्ज को बताती है और जॉर्ज भागते हुए मैरी के पास जाते हैं और रिबेका को भी अपने घर जाने के लिए कहते हैं। फिलिप बून को अपनी आंखों से देखने के बाद
रेबेका अपनी माँ के घर जाकर उन्हें फिलिप के बारे में सतर्क रहने को कहती है और चैपल वेट वापस लौट जाती है। इधर लोआ को लगता है उसके पिता बीमार हैं और इस बात को सीरियसली ना लेते हुए अपने कमरे में जाने लगती है, पर हॉल में उसे स्टीफन मिलता है। स्टीफन लोआ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो लोआ से कहता है वो लोआ को उसकी माँ से मिला सकता है। इधर चार्ल्स को उनकी आवाजें पैसेज वे से आ रही थी, जहां उन्हें एक छोटा सा हिडन दरवाजा भी मिलता है जिससे वो मैनर के अंदर आ जाते हैं। चार्ल्स को देखते ही स्टीफन भागने लगता है, पर चार्ल्स उसे रुकने को कहते हैं, जिसके बाद स्टीफन चार्ल्स को बुक ढूंढने के लिए कहता है और उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। चार्ल्स उस पर गोली चला देते हैं और वो खिड़की से नीचे गिर जाता है, पर वो लोग ये देखकर हैरान रहते हैं कि स्टीफन को गोली लगने पर भी कुछ नहीं होता है और वो वहां से भाग जाता है। जॉर्ज भी मैरी के लिए परेशान होते हैं और जॉर्ज को मैरी के गर्दन पर दो छोटे छोटे घाव भी दिखते हैं। स्टीफन ने लोआ को मैनिपुलेट कर लिया था और लोआ को लगता था स्टीफन उसे उसकी माँ से मिला सकता है। तभी स्ट्रेंज गर्ल अपने ग्रुप के कुछ लोगों के साथ चैपल वेट आती है और चार्ल्स को जेकब से कल जेरूसलम लॉट में मिलने को कहती है। वहीं उनकी ग्रुप की एक लड़की खुद अपना ही गला काट लेती है और अब तक चार्ल्स ये समझ जाते हैं कि उसका पाला जिनसे पड़ा है वो नॉर्मल नहीं है।